जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, हर जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, तेरे घर पे हम सब तेरे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल SSC एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों, SSC GD कांस्टेबल में एक और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन की अपील को रिजेक्टेड कर दिया गया है। रीज़न आप लोग देख सकते हैं, समय पर अपील को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, यानी भेजा नहीं गया था, इस कारण से इसको रिजेक्टेड किया गया है। तो नॉट रिसीव स्टिपुलेटेड टाइम, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस कारण से गलती हुई है और आप लोगों ने क्या ऐसी गलती तो नहीं कही गई है। आप लोगों ने अपने टाइम पर भेजा था या नहीं भेजा था, सिर्फ आप लोगों की गलती के कारण ही रिजेक्शन स्लिप मिल रही है आप लोगों को। क्योंकि मैं आप लोगों को पहले से ही बता रहा था जब रिजेक्शन स्लिप आई थी कि कितने टाइम में पहुंचाना है, किस तरीके से पहुंचाना है, सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को बता चुका था। आप लोगों ने उस समय कमेंट्स में लिखा ये तो हमको पता ही है, इस कारण से आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कहीं ना कहीं आप लोग गलतियाँ कर देते हैं। तो देखिए आप लोगों का रिजेक्शन स्लिप एक और देख लीजिएगा आप कि किस कारण से दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, BSF के द्वारा ये रिजेक्शन स्लिप भेजी गई है। बिहार के एक कैंडिडेट हैं जिनको रिजेक्शन स्लिप मिली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि आई हैव डायरेक्ट इन्फॉर्म दैट मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट कांस्टेबल GD NISSF BSF कैंप के अंदर इनका जो है हुआ था DME 13/1/2020 को, इन विच यू वर डिक्लेयर अनफिट। नाउ यू हैव फॉरवर्ड अपील फॉर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन बट सेम इज रिजेक्टेड। तो रिजेक्टेड की गई है, RM अपील इज नॉट रिसीव स्टिपुलेटेड टाइम। तो रीजन यहाँ पर दिया हुआ है कि RM अपील नॉट रिसीव्ड इन स्टिपुलेटेड टाइम, जिस कारण से इनको रिजेक्शन स्लिप दी गई है। तो दोस्तों, अलग अलग तरीके से रिजेक्शन स्लिप मिल रही है सभी कैंडिडेट को। मोस्टली कैंडिडेटों को रिजेक्शन स्लिप मिली है, 40,000 से 41,000 कैंडिडेट को ही एक्सेप्ट किया गया है रिव्यू मेडिकल एग्जाम के लिए। और वो भी आप लोगों का रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन डिले हो चुका है लॉकडाउन के कारण। तो देखते हैं कोई भी नोटिस आएगा तो ऑफिशियली तो आप लोग को डेट में इन्फॉर्म कर दूंगा। आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर कोई भी डाउट होते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं।